Assalamu alaikum. Okay students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. Well students, last video में हमने exercise 3D question number 4 part A board पर किया था और उससे related बाकी parts मैंने आपको home task के लिए दिए थे. So students, अगर उन questions में आपको किसी किस्म की कोई difficulty है तो आप लोग पूछ सकते हैं ताकि आपको आपके problem का solution provide किया जा सके. So आज हम start करेंगे exercise 3D word problems. For this you have to prepare your नोटबुक. सबसे पहले आप लोगों ने मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है. उसके बाद मेंशन योर डेट डे, देन मेंशन योर टॉपिक यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस, देन मेंशन योर एक्टिविटी एक्सरसाइज 3D व्हिच इज अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स एट पेज नंबर 60. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज एहसन कट्स 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड डिवाइड्स इट into 4 parts. He made 3 subsets of strings. How much of the string did he use? Okay students, इस question में ये कहा गया है कि एहसन, string कहते हैं thread को, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका एक let's suppose ये आपका thread है और इसके जो measurement है वो है 4/5, ठीक है? एहसन ने 4/5 piece of string लिया और उसको उसने 4 parts में divide कर दिया. आप देख सकते हैं 1, 2, 3 and 4 पार्ट्स. अब इसी तरह के उसने 3 सेट्स लिए, ठीक है? आपने बताना क्या है कि उसने कितना स्ट्रिंग यूज किया, इस सारे काम के लिए उसने कितना स्ट्रिंग यूज किया. सो स्टूडेंट, सबसे पहले जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट आप जो हेडिंग देते हो वो है डेटा की, और डेटा में आप वो तमाम चीजें मेंशन करते हो जो आपके क्वेश्चन में गिवन होती हैं. सो द फर्स्ट वन इज पीस ऑफ स्ट्रिंग. पीस ऑफ स्ट्रिंग उसने कितना लिया था? 4/5, और उस 4/5 जो स्ट्रिंग है उसको उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स 4, डिवाइडेड इनटू सेट्स, और उसके कितने सेट्स लिए उसने? 3 स्ट्रिंग यूज्ड. अब आपने फाइंड क्या करना है कि उसने कितना स्ट्रिंग यूज किया. सो नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंट ऑपरेशंस. सो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग यूज इज इक्वल्स टू 4/5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3. नेक्स्ट आपने ये माइंड में रखना है कि जिन फ्रैक्शंस के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है. सेकेंडली, जब हमारे पास फ्रैक्शंस में डिविजन साइन आ जाता है तो हमारा हम क्या मेथड यूज करते हैं कि इस डिवाइड के साइन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, एंड आफ्टर दिस डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं. रेसिप्रोकल मींस कि आपका जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर की जगह पे आ जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाई 1/4. इसके बाद आप लोग देखोगे कि दोनों फ्रैक्शंस के बीच में अब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है. सो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बाय क्रॉस देखेंगे कि बाय क्रॉस में जो नंबर्स हैं वो एक ही टेबल पे जाते हैं तो हम उनकी कटिंग करेंगे. 4 1s are 4 एंड अगेन 4 1s are 4. आफ्टर कटिंग जो आपके पास नंबर्स आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे कि न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो नेक्स्ट स्टेप में आप कटिंग के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो मेंशन करेंगे. 1/5 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? 1 1s are 1, 5 1s are 5 मल्टीप्लाई बाय 3. अब आपकी ब्रैकेट्स सॉल्व हो चुकी हैं, सो आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है. अगेन आपके पास जो नंबर्स हैं उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, अब आप मल्टीप्लाई कर लें. 3 1s are 3 एंड 5 एज इट इज नीचे आ गया. सो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? 3/5. एंड आप नेक्स्ट में रिजल्ट की हेडिंग देंगे और रिजल्ट में मेंशन करेंगे इट मींस 3/5 पीस ऑफ स्ट्रिंग इज यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. अस्मा डिवाइडेड हर बर्थडे केक इनटू 16 इक्वल पार्ट्स. शी गेव 3/16 टू हर फ्रेंड्स व्हाइल ट्रिपल ऑफ दिस क्वांटिटी वाज यूज्ड बाय अदर गेस्ट. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट? वेल स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि अस्मा ने अपना एक बर्थडे केक जो है उसको 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 3/16 जो है वो अपने उसने अपने फ्रेंड्स को दिया, और उसी क्वांटिटी का जो बाकी हिस्सा है, बाकी पोर्शन जो है, ट्रिपल ऑफ दिस क्वांटिटी मींस
तीसरा हिस्सा जो है उसने उसने बाकी मेहमानों को दिया। तो आपने बताना ये है कि फ्रेंड्स और गेस्ट को देने के बाद केक कितना केक जो है उसके पास बच जाएगा। सो सबसे पहले आपने डेटा की हेडिंग देनी है जिसमें आपने मेंशन करना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। वन केक डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, केक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 16। गिवन टू फ्रेंड्स, उसमें से कितना पोर्शन फ्रेंड्स को दिया गया, 3/16। ट्रिपल ऑफ द केक गिवन टू अदर गेस्ट, और इसी का जो तीसरा हिस्सा है वो किसको दिया गया, बाकी गेस्ट्स को। केक लेफ्ट आप लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इसको मजीद सॉल्व कर लिया है इस तरह से कि न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 9 एंड 16 एज अ डिनोमिनेटर। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और उसमें आपने क्या फाइंड करना है, केक लेफ्ट डिवाइड करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना केक आपके पास बच गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल केक आपके पास कितना था, 1, उसमें से आपने 3/16 जो है वो फ्रेंड्स को दे दिया और इसी में से 9/16 जो है वो आपने बाकी गेस्ट्स को दे दिया। क्योंकि हमने बाकी जो केक बच गया उसका पोर्शन हमने फाइंड करना है, उसमें आप क्या कौन सा ऑपरेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जिन फ्रैक्शंस के नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर। इसके बाद आप इनको सॉल्व कर लें। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बाकी तो फ्रैक्शंस के नीचे 16 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 16 आ जाए, 1 × 16। न्यूमिरेटर में भी यही काम करेंगे, 1 × 16 माइनस 3/16 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 9/16 भी एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1 × 16 = 16, डिनोमिनेटर में भी 16, माइनस 3/16, माइनस 9/16। अब आपके डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं, सो आप इनको वन टाइम लिख लें, 16, न्यूमिरेटर में जो 16 है वो लिखा, देन माइनस का साइन, देन 3, देन माइनस, देन 9। 16 − 3 gives you 13, 13 − 9 / 16। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले फर्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व कर लिया, आंसर लिखा, लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लिया। अब आप 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 / 16। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर है ये दोनों एक ही टेबल पर इजीली जा सकते हैं, विच इज 4। तो अगर आप 4 के साथ इनको डिवाइड कर दें तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 4 / 4 gives you 1 एंड 4 / 16 gives you 4। सो स्टूडेंट दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आप लोग रिजल्ट की हेडिंग देंगे लास्ट में और रिजल्ट में आप लोग मेंशन करेंगे, हेंस 1/4 के इज लेफ्ट। किस लिए यूज किया, 2 pairs of shoes परचेज करने के लिए। सो आप यहां देखें
by cross cutting easily ho sakti hai. 2 divided by 2 and 8 divided by 2 gives you 1 by 4. So find aap logo ne kya karna hai, pocket money spent. ये चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है. सो नेक्स्ट आप लोग सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप मेंशन करेंगे पॉकेट मनी स्पेंड इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4. 1/4 वो पोर्शन है जो फेवरेट बुक्स परचेज करने के लिए यूज हुआ है. सेकेंडली 1/4 वो पोर्शन है जो टू पेयर्स ऑफ शूज परचेज करने के लिए यूज हुआ है. सो दोनों को एड अप कर देंगे तो आपके पास पॉकेट मनी जो स्पेंड हुई है वो आ जाएगी. सो अगर फ्रैक्शन के बीच में एडिशन का साइन है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं. यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो हम इनको वन टाइम लिख लेंगे 1 + 1. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 + 1 गिव्स यू 2, 2 डिवाइडेड बाय 4. इसके बाद आप देखें 2 एंड 4 मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल पर जाएंगे. सो 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 1/2. So this is the final answer of question number 3. It means के इतना pocket money का इतना portion use हुआ है for buying favorite book and 2 pairs of shoes. So आप इसको result के form में इस तरह से लिख लेंगे. It means 1/2 pocket money is spent by Sarah.